एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में एक सुल्तान नामक डरावना कब्रिस्तान था। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में कई अलौकिक शक्तियां रहती थीं। एक रात बिली, लुसी और रोहित नाम के तीन दोस्त कब्रिस्तान के पास इकट्ठा हुए। अचानक उन्हें कब्रिस्तान से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, वे अपने हाथों में टॉर्च लेकर धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर चले गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आदमी को एक पुराने मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वह आदमी उदास और खोया हुआ लग रहा था। जब तीनों ने उससे पूछा कि वह कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वह एक आत्मा है और उसका नाम अकबर है। अकबर ने बताया कि कब्रिस्तान पर एक अभिशाप है जिसमें हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती है और आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। इस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था जंगल में छिपी एक जादुई किताब को ढूंढकर नष्ट करना। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए जादुई किताब खोजने का फैसला किया। वे कब्रिस्तान के पीछे के जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक छोटे कंकाल का सामना हुआ जिसका नाम बोन्स था। बोन्स ने बताया कि अगर वे आम के पेड़ के पत्ते अपने पास रखेंगे तो चुड़ैल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पत्तों को लेकर तीनों किताब ढूंढने में लग गए। काफी खोजने के बाद उन्हें एक झील के अंदर चमकता हुआ बॉक्स दिखाई दिया। रोहित, जो तैरना जानता था, झील के अंदर जाकर वह बॉक्स निकाल लाया। जैसे ही उन्होंने आम का पत्ता उस बॉक्स के ऊपर रखा, बॉक्स खुल गया और उसमें से जादुई किताब बाहर आ गई। आधी रात करीब आ चुकी थी, इसलिए वे तीनों तेजी से वापस कब्रिस्तान की ओर भागे। कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने जादुई किताब खोली और उसमें लिखे मंत्र का पाठ किया। अचानक कब्रिस्तान में तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल जाग गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आम के पत्तों की वजह से वह उन पर कोई असर नहीं कर पाई। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह जलकर भस्म हो गई। इस तरह तीनों दोस्तों ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया और वहां फिर से शांति छा गई।